बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल 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 चल। नहीं नहीं बापूजी, ज्यादा नहीं लगा है, बर्फ घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ, आइए ना, इट्स ओके। चलिए, गैस स्टोव रिपेयर हो गया। हाश, अरे सेठानी जी, ये टबुकड़ा गैस स्टोव, वो हमारा गैस स्टोव खराब हो गया ना, तो मैंने बबीता जी को कहा, तो वो अपने घर से ये टबुकड़ा गैस स्टोव लेकर आए। अच्छा, टबुकड़ा मतलब? टबुकड़ा मतलब कोई भी छोटी सी चीज। क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे को प्यार से गुजराती में टबुकड़ा बुलाते हैं, जैसे टप्पू को टप्पू, टबुकड़ा यहाँ तो बेटा ऐसा। ओके ओके। हाँ, लेकिन सेठानी जी, अब इस टबुकड़े गैस स्टोव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गैस स्टोव अब ठीक हो गया है, ये देखिए। थैंक यू। अब सॉरी बबीता जी, आपको गैस स्टोव लाने की मेहनत करनी पड़ी। इट्स ओके दया भाभी, कोई बात नहीं। और क्या कोई बात नहीं बबीता जी, अब सुबह सुबह सब काम छोड़कर हमारे लिए गैस स्टोव लेकर आए। अभी अय्यर भाई को भी सुबह सुबह ऑफिस जाना होगा, उनके लिए नाश्ता बनाना होगा। सॉरी आपको बहुत परेशान किया। दया भाभी अब इतनी परेशान मत होइए, मैं परेशान तो नहीं हूँ एटलीस्ट। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जाके उंगली में बर्फ लगाइए। अरे बाप रे, क्या हो गया सेठानी जी को? वो अलमारी का दरवाजा बंद कर रही थी ना, तो उसमें उंगली आ गई। ओहो, एक काम कीजिए सेठानी जी, फटाफट बर्फ घिस लीजिए। हाँ हाँ दया भाभी, आप जाके बर्फ लगा लीजिए, मैं पराठे बना लेती हूँ। चलिए मैं भी आपको थोड़ी मदद करती हूँ। नहीं दया भाभी, आपको हाथ में चोट आई, आप जाइए, मैं कर लूंगी। सेठानी जी, ना आप पराठे बनाएंगी और बबीता जी ना आप पराठे बनाएंगी, आज पराठे मैं बनाऊंगा। अरे गांव में तो मैं 50-60 लोगों का खाना 2 घंटे में बना देता था। क्या बात है, आप तो ऑलराउंडर हो। अब देखिए 5 मिनट में कैसे गर्मा गर्म पराठे तैयार कर देता हूँ। सेठानी जी, आटे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा। जी एक काम कीजिए बबीता जी, आप सेठानी जी को फटाफट बर्फ घिस दीजिए, तब तक मैं आटे का डिब्बा लेके आता हूँ। Okay, आज तो नाश्ता करने का मजा आ जाएगा, बबीता जी खुद अपने हाथों से पराठे बना रही है। ये लीजिए सेठानी जी, पराठे तैयार हो गए। ओह इज इट, अरे वाह 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 वाह, गर्मा गर्म पराठे सेठ जी को देकर आइए, वरना भूख के मारे सेठ जी यहाँ किचन में आ जाएंगे। वाह पग भाई, आपकी पत्नी बहुत नसीब वाली होगी। भाई अब शादी के नाम से इतना सरवा रहे हैं, तो जब शादी होगी तब कितना सरवाएंगे। चलिए हम नाश्ता दे देते हैं। हाँ। जी आप चाय ले लीजिए, मैं पराठे ले लेती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे रेडी। बाबूजी ये लीजिए।
ये लीजिए। थैंक यू बबीता जी, आप मेरे हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है। अरे इतने दया, ये लीजिए ये लीजिए। तू क्यों दया, तेरे हाथ में लगा है। नहीं नहीं, हो गया। थैंक यू बबीता जी। बबीता जी ने इतने प्यार से पराठा बनाया है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। लिया क्या सोच रहा है, खा। वाह बबीता जी, क्या पराठा बनाया आपने। वो हाँ बबीता, मेरी माँ के हाथ के बने पराठे, फिर जेठिया की माँ के हाथ के बने पराठे, और बहू के हाथ के बने पराठे के बाद आज तुम्हारे हाथ के बने पराठे खाकर मजा आ गया। बिल्कुल सच कह रहे हैं बापूजी। वाह वाह बबीता जी वाह, आपके हाथ के बने पराठे का तो जवाब ही नहीं। दया तू बना देना सेम टू सेम ऐसे ही स्वाद। हाँ बहू। सेठ जी, सेठ जी और पराठे खाएंगे ना। बापूजी को दे, बापूजी को दे। ले ले मुझे बस, यहाँ रख दे भाई, ठंडे हो जाएंगे। बंद कर बंद कर। हाँ एक है ना, अभी खाता रहूंगा मैं जी। वाह वाह बबीता जी, अरे मुझे पता ही नहीं था आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते। जर्नली मैं खाता हूँ तो दो तीन के बाद तो लिमिट आ जाती है, लेकिन आज मुझे लगता है स्कोर 7-8 को टच करेगा। कमाल कमाल पराठे बनाए आपने जेठा जी। अगर इस स्वादिष्ट पराठे की तारीफ करनी है तो बागा की कीजिए। बागा की क्यों? क्योंकि ये पराठे बबीता जी ने नहीं बागा भाई ने बनाए हैं। ले तो बागा, तुझे पराठे बनाने भी आते? हाँ बापूजी, मैंने कहा था ना मैं ऑलराउंडर हूँ। वाह क्या पराठे बनाए हैं, बहुत अच्छे। बागा भाई पता है टप्पू के पापा कब से आपके पराठे की तारीफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा बागा भाई के सामने भी उनकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, खुश हो जाएगा बागा भाई। अच्छा बने पराठे। थैंक यू सेठ जी, बस आप खुश तो मैं भी खुश। बागा भाई आप बैठ जाइए नाश्ता करने के लिए। नहीं सेठानी जी, मैं सुबह नाश्ता करके ही आया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे रुक भाई, मैं भी अभी निकल ही रहा हूँ, दुकान ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं सेठ जी, मेरा एक पहचान वाला आज गांव वापस जा रहा है, तो उसे स्टेशन छोड़ने जाना है। उसे स्टेशन छोड़ के फिर मैं दुकान आऊंगा। शिवभावी है। तो स्टेशन ही क्यों भाई, गांव तक छोड़ के है? मजाक मजाक कर रहा था। क्या सेठ जी आप भी मजाक कर रहे हो। अच्छा सेठ जी को छोड़ के सभी को आओ जो। क्यों भाई मुझे आओ जो क्यों नहीं? आप तो मुझे थोड़ी देर के बाद दुकान में मिलोगे ही ना, इसलिए। अच्छा बापूजी चलता हूँ। सेठानी जी चलता हूँ। बबीता जी चलता हूँ। बाय बाय सेठ जी, फिर मिलता हूँ।
बाय। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके तो मैं भी चलती हूँ, अय्यर के लिए जाके नाश्ता भी बनाना है। बबीता जी, आप अय्यर भाई के लिए पराठे तो लेकर जाइए, मैं फटाफट पैक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, अय्यर को वैसे भी ब्रेकफास्ट में इडली ही पसंद है। एनीवेज थैंक यू सो मच। और थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए। क्या बात है भाभी, आप भी क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? ओके बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके थैंक यू। बाय बाय बाय। बाद में गैस सिलेंडर, अरे गैस स्टोव आपका देके जाऊंगा घर पे। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापू जी। ए भाई, दुकान जाता हूँ बोल के अंदर कहाँ जा रहे? हाथ धोने जा रहा हूँ। बहू, तेरी उंगली का दर्द कैसा है अभी? पहले से अभी अच्छा है बापूजी। बबीता जी, हाय। अरे यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं आप? वो एक्चुअली मैं आपके घर से मेरे घर पे जा ही रही थी कि माधवी भाभी मुझे नीचे मिल गई। उनके हाथ में काफी सारे पापड़ के पैकेट्स थे, तो उनको हेल्प करने के लिए उनके घर तक गई थी। ओ, 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 आज तो आप सबको हेल्प करने के लिए निकल पड़े हैं। अरे वैसे क्या है, क्या आज? क्या आज सुबह से कितनी बार आपके दर्शन हो रहे? वो देखे ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे, मैं बालकनी में था तभी पहली बार आपका दर्शन हुए, फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए, और फिर अभी इधर आपके दर्शन हो गए। नहीं आप ही बताएं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? और अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी आगे पता नहीं और कितनी बार आपके दर्शन होंगे। टप्पू के पापा, बबीता जी, अरे बबीता जी आप वो चूड़ियां भूल गई। अरे हाँ, एक काम कर दे, वो चूड़िया और इनका गैस स्टोव वो दोनों बाद में मुझे देना, मैं उनके घर पे छोड़ के आऊंगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। टप्पू के पापा फिकर मत करो, मैं दे आऊंगी। अरे हाँ, टप्पू के पापा, आज आपने ज्यादा पराठे खाए है ना, तो आज आपको गैस होगी, तो ये चूरन की डिब्बी रखिए। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी। अरे आपके पेट को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ, आज आपको गैस होगी। अरे अरे आप रखिए, आप मुझे याद करोगे। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बबीता, अरे बबीता सुबह से कहाँ चली गई थी तुम, और मोबाइल भी लेकर नहीं गई? मुझे क्या गैस हो गई? ये लीजिए चूरन। बेटा लाल, जब सुबह से कुछ खाया नहीं तो गैस किधर से होगा? बबीता जल्दी चलो, मेरे को बहुत भूख लगा है। अरे आई एम सो सॉरी। ओके बाय जीजा जी। बाय बबीता जी। बाय यार बाय। मैंने बोला बाय। हाँ बाय। सेठ जी, दो हीरोइन बहने हैं, उनकी माँ भी एक जमाने में हीरोइन थी, तो वो दोनों बहनों की माँ का नाम क्या होगा? काजल तनिषा की माँ तनुजा। नहीं मगन, ये गलत है, उसके एंड में ता आता है, ता। करिश्मा और करीना की माँ बबीता। अरे वाह मगन, यू आर ए ब्रिलियंट बॉय। बोलो इधर भी बबीता जी, आज तो सुबह से बबीता जी हो रहे हैं। बबीता जी को फोन करके बताना ही पड़ेगा। अरे बबीता जी फोन नहीं उठा रही है,
लगता है बिजी है। कोई बात नहीं, बाद में। मगन, अब लास्ट एक शब्द रह गया। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको पसंद है? टाइम पास। नहीं सेठ जी, वो बैठ नहीं रहा। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ नटू काका, ये टाइम पास बंद करो, तेरे धंधे में ध्यान दो। सॉरी सॉरी सेठ जी, बस। अरे भाई, तो क्या कब से इसके पीछे पड़ा हुआ है? गोडाउन में जा, स्टॉक बॉक्स चेक कर, वो छोड़ भाई छोड़। हाँ सेठ। और नटू काका, आज क्या हो, क्या गया आपको? सुबह सुबह शब्द पहले भरने बैठ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आओ आओ बाग आओ। गुड मॉर्निंग नटू काका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सेठ जी, ये देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। क्या नहीं बग्गा, किसे लेके आया हूँ? सॉरी, ये देखिए सेठ जी मैं किसे लेके आया हूँ, पहचाना? कस्टमर, वो नया 40,000 रुपए वाला मोबाइल आया है ना, उसके कस्टमर है ये चतुर भाई। चतुर भाई, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं, एक मिनट, मैं बाघा, वो नटू काका, और ये है हमारे सेठ जी। एक मिनट। हाँ सेठ जी, सेठ जी, आप हिंदी पिक्चर देखते हैं? हाँ, हिंदी पिक्चर के शुरू में जो टाइटल आता है उसमें फिल्म के सेठ मतलब प्रोड्यूसर का नाम सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए मैंने आपकी पहचान सबसे लास्ट में करवाई। शाबाश। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, इनको वो 40,000 रुपए वाला मोबाइल चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चॉइस है आपके। ये जो मोबाइल आपने लेने का जो तय किया है, इतना बढ़िया मोबाइल है, एकदम लेटेस्ट, मार्केट में इससे लेटेस्ट कुछ आया ही नहीं है। सेठ जी, जरा वो मोबाइल दिखाएंगे प्लीज? जरूर, अब भी दिखाता हूँ, उसमें क्या। ये लीजिए। ये देखिए चतुर भाई, एकदम पेटी पैक पीस है और आजकल बहुत डिमांड में है ये मोबाइल। बाघा, ये मुझे पता है, मुझे कितने में पड़ेगा? वैसे तो इसकी MRP 40,000 रुपए है, लेकिन आप मेरी पहचान वाले हैं ना, इसलिए सेठ जी आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पहचान वाले हमारे पहचान वाले, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 600 रुपए। बस। अरे बगा, 400 रुपया अपना नॉर्मल डिस्काउंट होता है, लेकिन तेरी पहचान है इसलिए 200 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया ना, 600 का स्पेशल डिस्काउंट। बागा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज है? फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ, बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। ओ हो हो, बोलो, 800 में तक नया मोबाइल आ जाता है आजकल, है? 800 से ज्यादा आपको कोई डिस्काउंट देगा ही नहीं है। बस अभी कुछ मत बोलना, ले जा बिल, बना फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई, 800 800 तो। आइए चतुर भाई, आइए। और बागा। हाँ सेठ जी। अपनी तरफ से गिफ्ट आइटम भी देना, फ्री। हाँ, गिफ्ट क्या है? गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का कीचेन। ओके। नटू काका, जरा बिल बुक देंगे? हाँ बेटा। बागा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज है? फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ, बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। बस अभी कुछ मत बोलना, ले जा बिल, बना फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई, 800 800 तो। हाँ।
यस मैडम आई एम कमिंग। आगे बेटा हाँ चतुर्वे का बिल बना दे। जी लाइए आइए। हाउ कैन आई हेल्प यू नट्टो काका? मैं इधर हूं ना, प्लीज। बोलिए। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू सेल, समथिंग न्यू, अ क्लासी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नट्टो काका आइए बात कीजिए। यस एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल, यू नो सबसे हटके होना चाहिए, टच स्क्रीन। वैसे तो मैडम बहुत से मॉडल बाजार में आ गए हैं, लेकिन आपका बजट मुझे बताइए। अरे आप बजट बजट की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन फोन एकदम हटके होना चाहिए, एकदम न्यू लुक। यस यस सर जी, वन मिनट प्लीज। हाँ सी दिस वेरी वेरी लेटेस्ट मॉडल, एक हफ्ते पहले ही मार्केट में आया है। मैडम टीवी में आपने मोबाइल के एड तो देखी है ना, स्वयंवर में कई राजकुमार बैठे हैं, पर जिसके हाथ में मोबाइल है उसी को आके वरमाला राजकुमारी जी पहनाती है। या या, देखा है मैंने, इट्स अ ब्यूटीफुल फोन, बहुत ही अच्छा है। बबीता जी। हाँ बबीता जी। हाय जेठा जी, आपने फोन किया था? हाँ बबीता जी, आपको बताने के लिए कि आज का दिन वाकई में बबीता जी डे है। क्यों? अभी देखिए ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे तभी पहली बार आपका दर्शन हुए, फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए, फिर सोसाइटी कंपाउंड में आप मुझे मिले, फिर दुकान आया तो दुकान में नट्टू काका वो पेपर में शब्द पहली भर रहे थे तो उसमें भी बबीता नाम आया, तो मैंने सोचा एक बार फोन करके आपको बता दूं। जीठा जी, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हैं? कोइंसिडेंस? मैं कैसे समझाऊं आपको? कुछ मत समझाइए, मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा कैसे? अभी देखिए ना, मैं लास्ट आपको मिलके कंपाउंड से निकला, इधर दुकान है, दुकान में आते ही 40,000 वाले मोबाइल के 2 कस्टमर आ गए। बोलो ये कौन सीटी मार रहा है? कुकर। कौन कुकर? जीठा जी किचन में कुकर की सीटी बज रही है। अच्छा, वो कुकर, ओ हो, हाँ। ओके जेठा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू, बाय बाय बाय। ये कुकर लोग भी नसीब वाले हैं, सीटी मारते ही लड़कियां दौड़ के उनके पास पहुंच जाती है। जी मुझे तो ये फोन बहुत ही पसंद है, इसे पैक करवा दीजिए। वन सेकेंड। हाँ या हाय बबीता, की कर बे? बोलो फिर से बबीता। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिला है ना, इसीलिए फिर तुम हम सबको भूल गई। अच्छा बबीता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? अच्छा ये तो बबीता जी की बात कर रही है। शरद पूर्णिमा की रात को फाल्गुनी पाठक के प्रोग्राम में मैं और बबीता जी तो बाहर रह गए थे। और बता सब कुछ कैसा चल रहा है? अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं है। दूर नहीं है, अरे गोरेगांव ईस्ट कितना दूर पड़ता है। कम हम बबीता जी की बात कर रही है, आज तक बबीता जी मेरे आसपास छा गए हैं। अच्छा बबीता सुन ना, मैं अभी एक फोन की शॉप पे हूँ, बहुत बढ़िया सा फोन ले रही हूँ, जब मिलूंगी तो तुझे जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय स्वीटी। सिर्फ स्वीटी नहीं बबीता जी, तो स्वीटम स्वीटी है। नटू काका एक मिनट, आप बबीता जी को जानते हैं? जी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन आप? वो मेरे भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ओह, अरे वाह। तो मतलब आप तो हमारे फ्रेंड का फ्रेंड हुए, मतलब आप भी हमारे फ्रेंड हुए।
मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और मैं मलिका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एंड माई सेल्फ नटवरलाल प्रभा शंकर उड़ाई वाला उर्फ नटू काका। हेलो योर न्यू फ्रेंड का ओल्ड फ्रेंड कम मैनेजर। और मैं बाघा दादू उंडाई वाला आपके ओल्ड फ्रेंड का यंग फ्रेंड। हेलो हेलो कम भतीजा। बस बस भाई बस, बहुत ज्यादा पहचान इनको याद नहीं रहेगी भाई। बस मल्लिका जी, आपने ये मोबाइल लेने का जो फैसला किया है ना, एकदम बढ़िया फैसला है, क्योंकि मार्केट में इससे लेटेस्ट मोबाइल और कोई है ही नहीं, और बहुत बढ़िया पीस है। sure, इसका प्राइस कितना है? अबे आप हमारे फ्रेंड हुए तो अबे फ्रेंड लोगों से क्या कमाना। मतलब आप मुझे मोबाइल फ्री में देंगे? नहीं नहीं फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन आप बबीता जी के फ्रेंड है तो मैं आपको भाव टू भाव में दे दूंगा। हमको 36,500 में पड़ता है घर में, तो आप 36,500 देना बस। और थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था। एनीवे नो प्रॉब्लम, आप एक काम कीजिए ना, ये मोबाइल आप रखिए, मैं कल पैसे देके मोबाइल ले जाऊंगी। एक 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 मिनट, आप मोबाइल ले जाइए, पैसा आपको ला के दे जाना। आप बबीता जी का फ्रेंड है ना, आप भी याद रखेंगे कि बबीता जी का फ्रेंड बने वो आपको कितना काम आया। थैंक यू सो मच। ओके शिव जी, बिल तो बनाने दिया होता, कल आ रहे ना पैसा देने के लिए, तभी बिल बना के दे देंगे। घर की बात है नटू काका। अच्छा, ज्यादा कमाने का नहीं है, रीजनेबल भाव है। लड़की के लिए मोबाइल 36,500 में, मेरे लिए भाव 39,200। मुझे आपकी दुकान से मोबाइल खरीदना ही नहीं है। बाका खबरदार अगर तूने मुझे फोन किया तो। आप फोन खरीदोगे तो करूंगा ना। ये क्या किया सेठ जी आपने, एक अच्छी पहचान आपने डिस्कनेक्ट कर दी और मेरा कमीशन भी गया। सॉरी सॉरी बका, वो मेरा ध्यान में ही नहीं रहा। लेकिन सेठ जी, आपका ध्यान नहीं रहा इस वजह से कस्टमर हाथ से चला गया ना। अरे सेठ जी, ऐसे धंधा थोड़े ही होता है नटो काका, जीवन में कभी कभी व्यवहार भी साचा होना पड़ता है। अरे वो बबीता जी के फ्रेंड थे। लेकिन सेठ जी, बस बात खत्म करो। और भाई बागा, देख तू फिकर मत कर, ये दुनिया का आखिरी कस्टमर थोड़ी था, और कस्टमर मिल जाएंगे, एक गया तो जाने दे, तुझे तेरा कमीशन मिलता रहेगा भाई, है ऊपर वाला बैठा है ना, चिंता मत कर तू। क्या एक बात हमेशा याद रख, बिजनेस से बढ़कर रिश्ता होता है। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। हाँ तो फिर, अरे नटू काका वो एक मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए, वो तो दे दे बागा को। अच्छा ले 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 ले, काम आया काम आया। आ बेटा आ। बबीता जी के फ्रेंड थे भाई, कोई मजाक थोड़ी था। बबीता जी को फोन करके बोल देता हूँ, एक बार और उनके नाम का जिक्र हुआ, बबीता जी डे चालू ही है। बबीता तुम्हारा फोन। बबीता जेठालाल का फोन। हेलो अय्यर भाई, आप? हाँ मैं। आप घर पर ही हो? हाँ क्यों? नहीं काम पे नहीं गया? नहीं गया। क्या अय्यर भाई, आजकल तो बच्चे भी स्कूल में छुट्टी नहीं करते और आप एक साइंटिस्ट होकर छुट्टी करते हो। जेठालाल तुम काम पर गए हो? हाँ। तो काम करो और फोन रखो। एक मिनट जरा बबीता जी को 2 मिनट फोन देना, थोड़ा काम है। क्यों, क्या काम है? ओ, उनकी एक फ्रेंड आई थी आज मेरी दुकान में मोबाइल लेने के लिए, बात करनी है। अच्छा कौन सा फ्रेंड? मल्लिका बेन। मल्लिका बेन ऐसा बबीता का कोई फ्रेंड नहीं है।
नहीं आपको पता नहीं होगा, बबीता जी जानती होगी, उनको फोन देना। जेठालाल, बबीता मेरा वाइफ है और उसकी सभी फ्रेंड को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। किसका फोन है यार? जेठालाल का फोन है, कह रहा है कि उसकी दुकान पर तुम्हारा कोई फ्रेंड आया था। देखो लो। हाय जेठा जी। बबीता जी, आज तो गजब पे गजब हो रहा है। अभी तक बबीता जी डे चालू ही है, आज की तारीख में याद रखूंगा। अगले साल से हर साल आज के दिन मैं बबीता जी डे मनाऊंगा। गॉड जेठा जी, आप भी ना। अच्छा बताइए, मेरी कौन सी फ्रेंड आई थी? ओ, मल्लिका जी। मल्लिका? हाँ, वो नहीं, वो एकदम नहीं, एकदम नहीं, थोड़े थोड़े आपके जैसे दिखते हैं, गोरे गोरे। जेठा जी, मेरी इस नाम की कोई फ्रेंड नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं ना? जेठा जी, मैं मजाक नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने उनको फोन किया था और आप दोनों बंगाली में बात कर रहे थे। नहीं, आज मेरी सुबह से किसी भी फ्रेंड के साथ बात नहीं हुई है। क्या बात कर रही है? हाँ। सच में? हाँ। अरे बाप रे। क्या हुआ? नहीं, मैंने वो आपका दोस्त समझ के उसे 40,000 का मोबाइल 36,500 में दे दिया। ओह, 3,500 का डिस्काउंट, ये तो बहुत है। नहीं, डिस्काउंट का टेंशन नहीं है, मैंने मोबाइल पूरा उधार में दे दिया। What? क्या हुआ? हाँ, वो पर्स कुछ घर पे भूल गई थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, बबीता जी का फ्रेंड है तो मोबाइल ले जाइए, पैसे कल दे देना। ओह गॉड, जीठा जी अब क्या होगा? बबीता जी, मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में आप बात करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ सेठ जी? 36,500 का चूना लग गया। कैसे? सेठ जी, वो लड़की तो बड़ी 420 निकली। तो ए भगवान, अभी क्या करूं? अब बोलते हैं भगवान क्या करूं। उस लड़की को मोबाइल देते वक्त आपने भगवान से पूछा था कि मैं मोबाइल दूं या नहीं? अभी भगवान से पूछने का क्या फायदा? मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था तो आपने मुझे रोक दिया। अगर आपने मुझे उस लड़की से इंग्लिश में बात करने दी होती ना, तो वो भी समझ जाती कि कोई स्मार्ट लोगों से पाला पड़ा है, तो वो हमें बेवकूफ बनाने का प्लान ही नहीं करती। हाँ सेठ जी, अगर नटू काका मोबाइल बेचते तो मोबाइल भाव टू भाव नहीं बेचते, ना ही मोबाइल उधार देते, और ना ही चतुर भाई अपना मोबाइल कैंसल करते। लाइफ में पहली बार कोई मुझे बेवकूफ बना के गया, वरना मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इतना होशियार कच्ची व्यापारी, तक मामूली लड़की मुझे कैसे बेवकूफ बना के जा सकते, समझ में नहीं आता। आ गया समझ में। क्या? वो लड़की आई तभी मैं बबीता जी से बात कर रहा था, वही सुन के उसने प्लान बनाया होगा, और मेरे सामने बबीता जी से फोन पे बात करने का उसने नाटक किया, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो बबीता जी की फ्रेंड है। चलो हाश, मैं रिलैक्स हो गया। कैसे? नटू काका, मुझे मेरे 2% कमीशन यानी 784 रुपए के नुकसान का अफसोस था, और सेठ जी के तो 36,500 रुपए का नुकसान हुआ है, तो उनके अफसोस के सामने मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं। नटू काका, आपने उस लड़की का कोई फोटो वोटो निकाला था? सॉरी सेठ जी, लड़कियों के फोटो निकालने की गंदी आदत मुझ में नहीं है। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उसे? सेठ जी, अब एक ही रास्ता है, आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। हाँ। नहीं। क्यों नहीं? पुलिस में कंप्लेन करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ बना हूँ। 36,500 का नुकसान एक बार मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन करोड़ों की इज्जत जाए वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ और सोचना पड़ेगा। सेठ जी, आप बैठिए, हम सोचते हैं। नहीं, मतलब आप सोचिए, हम बैठते हैं।
आइए नटू काका। कम पता नहीं है कौन सी लड़की है जो मेरी फ्रेंड बनकर जीठा जी से इतने महंगे मोबाइल ले गई। बबीता वाह तो मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जो लोग बहुत ज्यादा होशियारी मारते हैं ना वो बेवकूफ जल्दी बनते हैं। मतलब? अरे मतलब ये जेठालाल मेरे सामने बहुत होशियारी मारता है, बन गया ना बेवकूफ। आई यार जीठा जी का इतना बड़ा नुकसान हुआ ये तो सोचो। अरे बबीता वो जेठालाल को सोचना चाहिए बेवकूफ बनने से पहले। अब छोड़ा ये सब बातें। ओके ऐसे कैसे छोड़ देगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये जेठालाल हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है, अब मेरा बारी है। मैं सोसाइटी में सबको बताता है, पहले सौड़ी को फोन करता हूँ। ओ खोते फोन तो उठा। ओए पाजी मेरा नहीं आपका फोन बज रहा है। ओ यार ये गोगी मुतना कभी भी रिंगटोन चेंज कर देता। ओ अय्या अब बोल मैं मेरे चेन्नई के शेर। आ सॉरी एक बहुत फनी बैड न्यूज़ है। फनी बैड न्यूज़? एक बात बता अय्यर प्रा, और तुम साइंटिस्ट लोगों ने जोक पे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सॉरी आज जेठालाल के साथ क्या हुआ पता है? नहीं क्या? सुनो इसलिए हमको है ना उसके साथ थोड़ा अच्छा बात करके उसका टेंशन थोड़ा दूर कर देना चाहिए। सच कहा अय्यर प्रा, मैं अभी के अभी जेठा प्रा को फोन करता हूँ। बेचारा जेठा प्रा बहुत टेंशन में होगा यार, दो चार अच्छी बातें करता हूँ ताकि उसका मूड भी अच्छा हो जाए। और सुख दुख में एक दूसरे के काम आना हम गोकुलधाम वासियों का फर्ज है। इसलिए फोन किया है सॉरी। और थैंक यू वेरी मच अय्यर प्रा, थैंक यू। अब मैं आत्माराम को फोन लगाता है। आत्माराम छोटे बोल। ओ जेठा प्रा एक ही हो गया है? हाँ एक ही हो गया यार। क्या? और रब तेनू इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। और जेठा प्रा हौसला रखना। घोसला? किसका घोसला क्यों रखूं मैं? ओए घोसला नहीं हौसला, हौसला यानी हिम्मत हिम्मत। अरे प्रा क्या हुआ क्या? ओ जेठा प्रा ओ तेनू एक लड़की बेवकूफ बना गई, बहुत दुख हुआ यार। तुमको किसने बताया? अय्यर प्रा ने। यो यो रिडली को बराबर मौका मिला है मेरा मजाक उड़ाने का। ओए जेठा प्रा तुसी फिकर ना करो, और तेरा नुकसान हुआ है ना और रब तेरे नुकसान का तुझे 10 गुना ज्यादा देगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जेठा प्रा और मेहनत की रोटी खाता है, बहुत ईमानदार आदमी है। और लेकिन जेठा प्रा जब तुमको पता चला कि वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड है तो तुमको बबीता जी को फोन करना चाहिए था। वही गलती हो गई भाई, सॉरी। तो सॉरी मैनू क्यों कह रहे हो भाई? ओ बेवकूफ तो तुम बने हो यार। ओ कोई गल नहीं जेठा भरा, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओ वैसे पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो शर्माना मत, बेझिझक मांग लेना। मैनू बोलना तो नहीं चाहिए जेठा भरा, क्या है ना आप बहुत पैसे वाले हो, पर हालात बदलते देर नहीं लगती ना। ओके थैंक यू सोटी, लेकिन प्लीज तो मुझ पर एक मेहरबानी करेगा। बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ये बात तू प्लीज किसी और को बताना मत। कौन सी बात? यही जो तुझे अभी अभी पता चली है। ओ वो जो लड़की तुमको बेवकूफ बना गई वो वाली बात? हाँ वो। ओ फिकर की कोई गल नहीं है जेठा प्रा,
वो बात को राज रखने में रोशन सिंह सोढ़ी चैंपियन है। वो पता है 3 साल पहले एक बार मैं और पिडू मार्केट में गए, वो अपने पिडू का गलती से एक औरत को तक्का लग गया, वो पिडू को उस औरत ने जम के एक तमाचा मारा, और पिडू एक तरफ, पिडू का चश्मा दूसरी तरफ बोला। और तब पिडू ने मुझसे कहा, ये बात एकदम राज रखना, और ये बात आज तक मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया। ओए चिंता मत करना, ऐसी तुम्हारी बात भी एकदम राज रहेगी। थैंक यू सोढ़ी, समझ गया मैं, थैंक यू। अब मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज चंगा। चलो अभी तक सिर्फ अय्यर भाई का खतरा था, उसमें ये सोढ़ी का खतरा भी शामिल हो गया। हाँ हेलो नटू बागा काका, काका बागा नटू, नटू काका, आप और बागा जल्दी से गोडाउन में आइए प्लीज। यार इडली ने पता नहीं और किस किस को बताया होगा, अभी तो सिर्फ सोढ़ी का फोन आया है। एक तो 36,500 का नुकसान, ऊपर से बेवकूफ बनने की बदनामी का टेंशन। जी सेठ जी। बागा नटू काका, आज दुकान में कुछ हुआ ही नहीं है। नटू काका, लगता है नुकसानी की वजह से सेठ जी के दिलो दिमाग पे गहरा सदमा पहुंचा है। बागा, वॉश द ब्रेन। सेठ जी, याद कीजिए थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की ने आपको बेवकूफ बनाया। सेठ जी, बागा, लेट मी वॉश, माय टर्न। सेठ जी, ग्रेट लॉस, 36,500 प्लस 1 कस्टमर रन अवे, सेकंड लॉस। कलेक्ट कलेक्ट रिकलेक्ट सेठ जी, रिकलेक्ट। सेठ जी, इतना सब कुछ हो गया और आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। याद कीजिए सेठ जी। अरे वो सब कुछ मुझे याद है। बागा, बागा, we have done it, we have done it। काका मुबारक हो। अरे ओ चाचा भतीजा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ मुझे जो याद है वही मैं भूलना चाहता हूँ, और आप दोनों को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोनों भी ये बात भूल जाइए, दिमाग से बाहर निकल के फेंक दीजिए, समझे? ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बापूजी और दया को भी नहीं। ओके सेठ जी, ओके, रिलैक्स नाउ। बागा, कीप मम, शट योर माउथ, डोंट ओपन दिस पॉइंट। सेठ जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नो 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 थैंक्स, नो मेहरबानी सेठ जी। बागा, बैक टू वर्क, कम ऑन। बोलो, भीड़ का फोन, मतलब भीड़ को भी मालूम पड़ गया। यार हाथी भाई का फोन, हाथी भाई को भी मालूम पड़ गया। यार पोपटलाल, यार वाह, अब्दुल रह गए थे, अब्दुल को भी मालूम पड़ गया। यार इडली ने तो इस बात का ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, उस वाइडा को आंटी में लेना ही पड़ेगा।
जेठालाल का फोन। अय्यर भाई। जेठालाल। बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया। इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। नहीं, वो तो बुरा हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा आप कर रहे हैं। क्या सभी को आप फोन खर करके ये बात बता रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, इल्ले इल्ले जेठालाल, देखो हम सब गोकुलधाम वासी दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही है। अरे दुख का क्या है, बांटने से कम होता है, इसलिए मैंने सबको बता दिया। लेकिन आप मेरा दुख कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। सबको बता बता के मौका मिला तो मेरा मजाक उड़ा रहे। नहीं 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 जेठालाल, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो। मजाक उड़ाने का आदत तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब देखो ना, तुम मेरा कितना मजाक उड़ाते हो, है? तो ये काम तुम्हारा है। अरे जेठालाल, तुम बेवकूफ बन गए, ये जानकर मेरे को बहुत दुख हुआ। अय्यर भाई, प्लीज आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मेरे लिए दुखी मत होइए, और प्लीज और किसी को ये बात मत बताइए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। जेठालाल, डोंट वरी। और यू भी अभी बताने के लिए कोई बचा किधर है? ये आपने ठीक नहीं किया अय्यर भाई। कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, कल मेरा भी दिन आएगा। परिवर्तन दुनिया का दस्तूर है, हर रात के बाद सवेरा आता ही है, इतना समझ लेना आप। सोसाइटी में सभी को पता चल गया, बस दया और बापूजी को पता ना चले, इतना करना प्रभु। अरे बहू जी। बापूजी, ये जेठे अभी तक आया नहीं है, तो उसका कुछ फोन बोन आया था कि वो लेट आने वाला है या ऐसा कुछ? नहीं बापूजी, फोन तो नहीं आया, लेकिन अब चिंता मत करो, टप्पू के पापा आते होंगे। लो, आ गए टप्पू के पापा। क्या हुआ भाई, बहुत थका हुआ लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ टेंशन है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? कैसा लग रहा हूँ? रोज आप दुकान से आते हो तो मस्त फुलका रोटी जैसे लगते हो, लेकिन आज लंच बॉक्स में सुबह से क्या तो रोटी जैसे लग रहे हो। जेठालाल, सॉरी। हे भगवान, ये अय्यर इडली जरूर मेरा फजेता करने आया है। प्लीज भगवान, बापूजी और दया को मत पता चलने देना। बबीता जी, अय्यर भाई, आप दोनों इस वक्त? जय भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मेहमान और मुसीबत दोनों कभी भी आ सकते हैं। तो भाई, अभी तो मुसीबत बन के आया है कि मेहमान बन के आया है? चाचा जी, मैं तो मेहमान बनकर ही आया हूँ, लेकिन मुसीबत तो जेठालाल के लाइफ में आया है। जीठिया, ये क्या बोल रहे? पता नहीं कि, क्या क्या बोल रहा है यार भाई। क्या क्या नहीं जेठालाल? चाचा जी, आपको मालूम नहीं है क्या? जेठालाल, तुमने चाचा जी को बताया नहीं? बच्चे जी, क्यों के पापा, क्या हुआ? देख भाभी, आज जेठालाल के साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों के पापा, हुआ क्या, क्या हुआ? जेठालाल, मेरे को मालूम था तुमने घर पर नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आया। जेठालाल, टेंशन परिवार के साथ बांटना चाहिए, उससे वो कम हो जाता है। अरे भाई, अब बताएगा भी कि क्या हुआ? अरे चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया, 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। ये क्या कह रहा है? वो बापूजी, वो दरअसल हुआ यूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल, यू नो, सबसे हटके होना चाहिए। या हाय बबीता, की कर बे? आप बबीता जी को जानते हैं? जी जी।
वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था। आप मोबाइल ले जाइए, पैसा कल आके दे जाना। अरे लेकिन वो लड़की जब दुकान में आई तो तुझे बबीता को फोन करना चाहिए था ना। हाँ जेठा जी, अगर आपने मुझे तभी फोन किया होता ना तो उसी वक्त वो लड़की पकड़ी जाती। हाँ चाचा जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेठालाल जैसा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन एक लड़की से बेवकूफ बन गया। जेठालाल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ओके। चाचा जी अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो बबीता। जीजा जी, I'm feeling so sorry about it. मेरा नाम लेके एक लड़की आपके साथ इतनी बड़ी फ्रॉड करके गई। नहीं बबीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब जेठिया की है। अरे उस लड़की ने आके बोला कि वो तुम्हारी दोस्त है और ये बबू चक ने मान लिया। अरे जेठालाल, नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़की तुम्हारे दुकान पर आकर बोले ना कि वो बबीता का फ्रेंड है तो तुम डायरेक्ट मेरे को फोन करने का, तो मैं तुमको बता देगा कि वह बबीता का फ्रेंड है कि नहीं है। चलो बबीता। बाय। जेठिया, इतनी बड़ी बात हो गई और तू हमसे छुपा रहा था। वो आप लोगों को टेंशन ना हो इसके लिए मैं नहीं बता रहा था बापूजी। उसमें टेंशन क्या, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करोगे? क्या करोगे क्या, पूरी दुकान थोड़ी लुट के गई है। 36,500 का मोबाइल ही तो लेके गई है। क्या जबन आ गया, एक पढ़ी लिखी औरत आपसे चैटिंग करके गई है। चैटिंग? छेतर पिंड। चीटिंग। अच्छा जेठिया, तूने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं बाबूजी। क्या, पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबूजी पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो फिर काम धंधा छोड़कर रोज पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वो कर। दया तू खाना परोस, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। टप्पू के पापा, सोना नहीं है तो चलिए। अब छोड़ो उस बात को। किस बात को? वो उस लड़की के बारे में आप सोच रहे हो ना? कौन सी लड़की? वही जो आपको बबीता बबीता जी की फ्रेंड बनकर आपके पास से मोबाइल फोन लेकर गई। चलिए अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। अरे कैसे भूलो दया, एक लड़की मुझे बेवकूफ बना के गई। मेरे पति को टेंशन देने वाली उस औरत को मैं दया टप्पू के पापा गड़ा श्राप देती हूँ। उसको कभी मेकअप करने ही ना मिला और वो इतनी मोटी हो जाए, इतनी मोटी हो जाए कि उसका साइज की सैंडल ही ना मिला। और अगर सैंडल मिले तो उसके सैंडल में चिंगम चिपकती रहे। अरे लट्टू काका का फोन इस वक्त, लगता है उस लड़की के बारे में कुछ पता चल गया होगा। हाँ लट्टू काका। सेठ जी, वो लड़की जो सवेरे आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई। हाँ हाँ नटू काका, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं नहीं, पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पता चल सकता है सेठ जी। कैसे? मेरे ध्यान में एक अघोरी तांत्रिक बाबा है, वो उस चालू लड़की का पता लगा सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपए लेंगे। बराबर है, एक चालू लड़की का पता एक चालू तांत्रिक लगा सकता है ना। हाँ तो नटू काका, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना है। सेठ जी ऐसे ना नहीं बोलते। देखिए सुबह तक सोच के बताइए,
वैसे भी आपको रात भर नींद तो आने वाली नहीं है। चलो सेठ जी, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नीरज को कौन आया होगा? अभी कौन आया होगा जलर पे नमक छिड़कने? सेठ जी, वो लड़की जो सवेरे आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई। हाँ हाँ नटू काका, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं नहीं, पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पता चल सकता है सेठ जी। कैसे? मेरे ध्यान में एक अघोरी तांत्रिक बाबा है, वो उस चालू लड़की का पता लगा सकते हैं। नटू काका, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना है। देखिए, सुबह तक सोच के बताइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इतनी रात को कौन आया होगा? ओहो, आइए आइए पोपट भाई। चलो, जगत का सबसे बड़ा खण खोदी आ गया। आइए आइए आइए, बैठिया बैठिया, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, आज पानी नहीं, आज मैं सिर्फ जेठालाल का इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू किस बात का? अरे भाई जेठालाल भूल गए, मैं तूफान एक्सप्रेस में मेन तो क्राइम रिपोर्टिंग ही करता हूँ ना। जिस लड़की ने तुम्हारे साथ चीटिंग की, उस पूरे किस्से के बारे में शुरू से अंत तक मुझे सारी बातें बता। मैं तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उन सारे फ्रॉड और चीटर लोगों की दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई, अभी तो मैं खुद हिला हुआ हूँ, मुझे किसी की दुनिया नहीं हिलानी है। नहीं 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 जेठालाल भाई, ऐसे मायूस नहीं होते। मुझे जल्दी बताओ, कल सुबह के अखबार में ये आर्टिकल छप जाएगा। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। तुम्हारा ये तूफान एक्सप्रेस उर्दू में छपता है? नहीं, क्यों? नहीं, तुमने वो हेडलाइन वहां से यहाँ बताई। सॉरी सॉरी, एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको किसने अय्यर ने बताया? हाँ अय्यर, अय्यर। मैंने मना किया था अय्यर को, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन समझ में नहीं आता उसका प्रॉब्लम क्या है। चुप ही नहीं रह सकता, कैसे बंद करूं मैं उसका मुंह। तो भाई जेठालाल स्टार्ट। लिखो, मैं ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता। क्या? 100 बार लिखो। क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? पोपट भाई, देखिए टप्पू के पापा की इच्छा नहीं है तो रहने दो ना। प्लीज। हाँ प्लीज भाई, नहीं ये इच्छा, रहने दो। दया भाभी, जेठालाल, आप लोग मेरे आर्टिकल की ताकत को नहीं जानते। ऐसा जोरदार आर्टिकल लिखूंगा कि वो फ्रॉड लड़की जहां भी होगी वहां से आप लोगों के सामने आ जाएगी। जेठालाल तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाएगी और कहेगी, जेठालाल मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो भाई ऐसा जोरदार आर्टिकल आतंकवादियों के ऊपर लिखो ताकि वो लोग भी जहां हो वहां से सामने आ जाए और हमारी पुलिस उनको पकड़ ले। भाई इंटरव्यू कैंसिल, मुझे माफ कर दो, गुड नाइट। लेकिन जेठालाल, अगर आधी रात को भी तुम्हारा मन बदले कि भाई इंटरव्यू देना है, तो मुझे बेझिझक फोन कर दे। तुम फोन कट करोगे उसके पहले तो मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम यहाँ आओगे तो तब ना, जब यहाँ से जाओगे तो। हाँ हाँ, गुड नाइट। जितना मैं इस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही ये बात बार बार मेरे सामने आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है। गुड नाइट। ए ना, Thank you.
क्या हुआ बेटा, हैं? कोई लेसन याद कर रहा है या नई शरारत करने की सोच रहा है? दादाजी, काश मैं पुलिस होता। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। टपो, ठीक है, तू बड़ा होके पुलिस वाला बनना है, अपराध मिटाना, खूब समाज सेवा करना। दादाजी, काश मैं अब भी पुलिस होता। इस उम्र में तू पुलिस वाला बनेगा? हाँ। ठीक है, तू स्कूल के प्रोग्राम में नाटक में पुलिस वाला बनना। नहीं दादाजी, मुझे अभी के अभी असली पुलिस बनना है। क्या? क्योंकि मुझे पापा को बेवकूफ बनाने वाली उस चीटर लड़की को पकड़ना है। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ दादाजी, पापा के साथ चीटिंग हुई है, वो कितने टेंशन में, टप्पू से ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे टप्पूड़ा, तुझे तेरे पापा की चिंता हो रही है बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे हर इंसान के जीवन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को गुस्से से नहीं, शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि समस्या का हल आसानी से निकल आए। और एक बात याद रखना टप्पू, हमें गुस्से के कंट्रोल में नहीं, गुस्सा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, समझा? जी दादाजी, पर दादाजी हम शांति से और समझदारी से उस चीटर लड़की को पकड़ेंगे कैसे? अरे टप्पू, तेरी उम्र पढ़ाई करने की है, अरे जेठे अपने हिसाब से इस समस्या का हल निकाल लेगा है? लेकिन टपुड़ा, इस समस्या से हमें एक बात तो सीखनी चाहिए कि कभी भी किसी पर भी बिना सोचे समझे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? जी दादाजी। अब चिंता मत कर और शांति से सो जा, हैं? जी दादाजी। सुबह स्कूल जाना है, चल। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टपुड़ा तो समझ गया, पर जब तक वो चीटर औरत नहीं मिलती, जेठिया बेचैन रहेगा। एक बात पूछूं? क्या? ये अय्यर भाई की वजह से सबको पता चल गया, नहीं? तो अय्यर भाई ने मेहता साहब को नहीं बताया होगा? नहीं, ये तो इसके बारे में मेहता साहब का कोई फोन नहीं है ना, इसलिए पूछ रहे। इसे कहते हैं असली दोस्त। मेहता साहब को पता चला भी होगा, फिर भी मुझे परेशानी ना हो, इसलिए पंचायत करने के लिए ना उन्होंने फोन किया, ना वो खुद यहाँ आए। लेकिन वो खुद कैसे आ सकते हैं? वो और अंजलि भाभी तो पुणे गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अय्यर भाई ने मेहता साहब को बताया होगा, नहीं तो मेहता साहब आपको थोड़ा भी पूछने के लिए फोन तो करते हैं ना। एक काम कर। हाँ। अभी कभी मेहता साहब को फोन करो और पूछो कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर वो कहे कि हाँ पता है, तो उनको पूछो कि अरे तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो तुरंत फोन काट के तुरंत अय्यर भाई को फोन कर। हाँ, आप और अय्यर भाई से पूछिए कि उन्होंने मेहता साहब को क्यों नहीं बताया। अगर अय्यर भाई कहे कि अरे वो तो मैं भूल ही गया, तो अय्यर भाई को बोलो तुरंत आप मेहता साहब को फोन करो और इसके बारे में सब बताओ, क्योंकि क्या है जब आप बताएंगे तभी मुझे यानी कि आपको क्या चैन की नींद आ सके, तो जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जल्दी से आप बताइए मेहता साहब को। गुड नाइट। इसको ने फोन किया, उसको नहीं बताया, मेहता साहब को पता है नहीं पता है।
सॉरी। हे भगवान, रोज मेरे नसीब में एक नई मुसीबत भेजकर आप क्या मुझे मुसीबतों का देवता बनाना चाहते हो? आज तक खुशी और मेरी किस्मत का 36 का आंकड़ा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन इस बार आपने उस आंकड़े को 36,000 के ऊपर पहुंचा दिया। क्या विचार क्या है आपका? क्या करना क्या चाहते हो आप? बस एक बार भगवान उस लुच्ची लड़की को पकड़वा दो, वरना एक लड़की मुझे बेवकूफ बना गई ये बात मेरे मन में हमेशा चाय की तरह उबलती रहेगी। अरे दया, चाय ला जल्दी। दया ए भाई, क्या ध्यान किधर है तेरा? चाय तेरे सामने तो पड़ी है। बोलो, ये दया भी कमाल है, कब चाय रख के जाती है पता ही नहीं चलता। तो कैसे पता चलेगा तुझे? क्योंकि तेरा शरीर तो इधर है, लेकिन तेरा मन पता नहीं बिना टिकट दुनिया के किस कोने में भटक रहा है। लीजिए चाय। अरे भाई, मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन तू भी भूल गई कि तू मुझे पहले चाय दे चुकी है। नहीं नहीं, मुझे याद है, मैं आपको चाय दे चुकी हूँ। तो फिर दोबारा चाय क्यों लेकर आई? मुझे लगा कि आप एक कप चाय और पीकर अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते होंगे। कैसे चिंता? वो लड़की आपको बेवकूफ बनाकर गई, वो चिंता। ए जेठिया, ये 30,000-40,000 के मोबाइल के लिए लाखों जितनी चिंता करेगा तो करोड़ों की अनमोल तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ चल, अभी चिंता छोड़ और चाय पी। नहीं, चाय मत पीना। मतलब वो चाय ठंडी हो गई होगी, इसलिए मत पीना। ये गरम, ये पीछे। क्या एक मिनट अंजलि, मैं ऑफिस देरी से नहीं जाना चाहता, फिर वही बॉस का उखड़ा हुआ चेहरा और इरिटेटेड मूड मुझे नहीं देखना। जल्दी ओ तारक, ये लीजिए लैपटॉप और ये लीजिए आपकी चाय तैयार है। अंजलि तुम कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो, जब चाय पीनी होती है तब तुम्हें नहीं पिलानी, और आज चाय लेके आई हो जब देर हो रही है। अरे एक मिनट शांति से बैठो मेरे पास और चाय पियो। अरे नहीं पीना भाई, मुझे देरी हो रही है, चाय रखो चलो। आदाब अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये सब सुबह सुबह है? आदाब, एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कड़े होकर बोलता है, मैं दादा क्या है, आप कल पूना गए थे इसलिए आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ। अय्यर मैं ऑलरेडी लेट हूँ, प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ गोकुलधाम में। नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ नहीं हुआ, कल जेठालाल की दुकान में हुआ। चीठा भाई की दुकान में क्या हुआ? अरे अंजलि भाभी, एक लड़की ने जेठालाल को बेवकूफ बनाया। क्या मतलब? मतलब यह मैदा था, जयडालाल की दुकान पर कल बबीता की फ्रेंड आई थी और वो जयडालाल से बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल लेकर चली गई। यार मुझे वैसे ही देरी हो रही है और तुम क्या बातें कर रहे हो, इसमें बेवकूफ बनने जैसी क्या बात हुई? बेवकूफ बनने वाली बात है, पहली बात तो यह है कि वो लड़की ने मोबाइल का पैसा नहीं दिया, और दूसरी बात यह कि वो बबीता का फ्रेंड ही नहीं था। वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड नहीं थी? नहीं अंजलि भाभी, और वो जेठालाल को बबीता का फ्रेंड बोलकर बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे भगवान, तो उसी वक्त जेठा भाई को बबीता जी को फोन करके पूछना चाहिए ना कि ये लड़की आपकी फ्रेंड है कि नहीं। हाँ करेक्ट है, लेकिन वो जेठालाल समझदारी की बात करता है किधर है यार। अरे फिर तो जेठा भाई का नुकसान हो गया, वो तो बहुत टेंशन में होंगे। अभी मैं टेंशन में हूँ, मुझे जल्दी है भाई, मेरे को जाना है प्लीज। नहीं लेकिन मैं था आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे को मालूम है, आई एम सॉरी। पर लेकिन क्या है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जेठालाल हमेशा सबको सुनाता रहता है, एंड यू नो जो आदमी बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो सबसे पहले बेवकूफ बनता है ना। भैया माफ करना, लेकिन इस बात का मजा उठाना छोड़ दो यार। सबसे पहली बात, मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ। भाई जेठालाल ने तो उस लड़की पे भरोसा किया,
अब उस लड़की ने भरोसा तोड़ के जेठालाल के साथ चीटिंग की, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? लेकिन मैं गलती तो जेठालाल की है। क्या गलती जेठालाल की है ये? गलती उस लड़की की है जो चीटर है, और चीटर क्या, मैं तो कहता हूँ क्रिमिनल है और उसे सजा मिलनी चाहिए। मल्लिका, तू भले मेरी भलमनसाई का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बना के गई, लेकिन मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। ओ जेठा भाई, ये सुना कुछ लड़के का कल लफड़ा हो गया, कोई लड़की आपको बेवकूफ बना के गई? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल वो जो लड़के मुझे बेवकूफ बना के गए ना, तो उसका जिगरी 10 मेरे बाजू में खड़ा है। एक मिनट देता हूँ, एक मिनट। जेठा भाई मैं दोस्त वोस्त थोड़े हो, क्या बोल रहा है? अरे जेठा भाई बात तो कर, लोगों की तकलीफ में दूसरों का बहुत मजा आता है। सुना कल कोई लड़की बेवकूफ बना के गई? अरे जेठालाल जरा एक मिनट। क्या है? जरा एक मिनट आओ ना प्लीज। ये रह गया था। क्या जेठालाल, तुमने मेरा कल फोन काट दिया। वो मैं थोड़ा काम में था। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा फोन काट दिया इसके लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग बेवकूफ बनने से बच जाएंगे, इसके लिए थैंक यू। क्या मतलब? पढ़ो मैंने क्या लिखा। अरे भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? अरे 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 मिटा क्यों रहे हो? अरे जेठालाल इसका क्या है, क्या ये सब? तुम सबने मिलकर मेरा तमाशा बनाने की ठान ली है। तमाशा? तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? अरे जेठालाल, जो तुम पे बीती वो किसी और पे ना बीते, इसके लिए मैंने सब लिखा था। पता है जेठालाल, जब एक आदमी बेवकूफ बनता है ना, तो उसके सबक लेकर पीछे के 100 आदमी बेवकूफ बनने से बच जाते हैं, समझे? अरे भाई, गैस स्टोव पे पड़े तवे की जलन चम्मच नहीं समझ सकता। ऐसे? जैसे जड़ता करता। हाँ। इसलिए लोगों को चौकन्ना करना है ना तुम्हें। हाँ। तो ये मेरा कुछ मत लिखो, कोई और ससुसु लिखो। ऐसे? ससुसु। ससुसु? समाज सुधारक सुविचार। हाँ, करेक्ट। क्या लिख रहे हो? एक मिनट, एक। अरे जेठालाल तो इधर ही है। चलो मैं चलता हूँ। जेठालाल ये मैं क्या सुन लो? क्या? कि कोई लड़की कल तुम्हें 36,000 रुपए का चूना लगा के चली गई। आपको किसने बात? क्या यार, क्या यार? अय्यर ने बताया? हाँ मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल, लेकिन वो छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि ऐसे कैसे कोई लड़की तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई? हाँ छोड़ो ना मेहता साहब, मेरा नसीब में बेवकूफ बनना लिखा था, मैं बन गया बेवकूफ। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, और करनी भी नहीं। क्यों? वो ना भी ये सब झंझट मारी में पड़े। यही जेठालाल, यही सोच समाज में अपराधों को बढ़ावा देती है। करेक्ट। हम लोग सोचते हैं कि इन झंझटों में कौन पड़े, इससे अपराधी निडर हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेहता साहब, मेरा जो बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अबे पुलिस कंप्लेंट करके मुझे आज का दिन नहीं बिगड़ना। ठीक है, मत करो कंप्लेंट जेठालाल, फिर आज का दिन नहीं, आने वाले कई दिन बिगड़ जाएंगे। कैसे? मान लो वो लड़की किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सदस्य निकली, और तुमसे जो उसने फोन लिया है उसी फोन से वो सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित करती है, सारे आतंकवादी कॉल उसी से होते हैं, फिर पुलिस ट्रैक करते करते उस लड़की को गिरफ्तार कर लेगी और पता कर लेगी कि ये फोन तुम्हारे यहां से लिया गया, फिर CBI, FBI, इंटरपोल सारे लोग मिलकर तुमसे पूछताछ करेंगे। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो नहीं, जाओ, मैं नहीं आ सकता अभी। अरे जाओ नहीं भाई, चलो। अरे भाई जेठालाल, मैं वैसे ही बहुत जल्दी में, मुझे अर्जेंट ऑफिस पहुंचना है। यहाँ आपका परम मित्र आतंकवादियों के चुंगल में फंस गया है, आपको ऑफिस जाना है।
आज का स्विच जैसा जलता चला कर फिर भी पुलिस को अपना दोस्त समझा।